नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज बात होने वाली है भारत के एक ऐसे प्राचीन सिक्के के बारे में जो मिलना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी दुर्लभ और रेयर भी हो चुका है। दोस्तों, ये सिक्का जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों साइड से मैंने आपको सिक्के की इमेज दिखाई है। दोनों साइड दोस्तों फारसी भाषा में लिखा हुआ है और ये सिक्का दोस्तों दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का है। इसे तुगलक टका भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस सिक्के का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक का था शासन, वो 1325 से लेकर 1351 के बीच में दिल्ली में रहा है दोस्तों। और इस सिक्के का इतिहास भी दोस्तों काफ़ी रोचक है। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था जैसी थी, तो उन्होंने दोस्तों सोने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे पीतल के सिक्के जारी किए थे। तो उस पे दोस्तों सरकार का नियंत्रण ना होने की वजह से लोगों ने नकली सिक्के बनाने भी शुरू कर दिए थे दोस्तों। तो उस समय इन सिक्कों में क्या होता था, नकली और असली का पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सिक्कों का सरकार का नियंत्रण नहीं था। तो लोगों ने घर में बनाने भी ये लोग शुरू कर दिए थे। ये आप इतिहास में पढ़ सकते हैं दोस्तों, इनके बारे में पूरा इतिहास भी लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सिक्का काफ़ी पुराना हो चुका है। आज के समय में इस सिक्के की कीमत दोस्तों 2 से 2.5 हज़ार रुपये के आसपास है और ये काफ़ी रेयर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इतना पुराना सिक्का प्रिजर्व करना और मिलना ही दोस्तों बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।